आइए हम आपको थापी वाला वेश बताते हैं, जो मेरी ढोलक की वीडियो है जोरदार नाम से, उसमें कमेंट आया था कि आप थापी वाले वेश की भी फुल वीडियो डालें। तो आज मैं बताने जा रही हूँ, जोरदार ढोलक के नाम से मैंने जो वीडियो बनाई थी वो बहुत वायरल हो रही है, आप उसे भी ज़रूर देखें, ज़रूर सीखें। तो हम आपको थापी वाला वेश भी बताने आए हैं, तो प्लीज़ इसकी फुल वाच करना, इसको ज़रूर सीखना। तो हम आपको बताते हैं, आइए देखो बहनों, ये जो हमारा चौड़ा हिस्सा होता है ये थापी वाला वेश होता है, और इसमें मसाला लगा हुआ होता है, और इसकी आवाज़ थोड़ा भारी बजती है, भारी आवाज़ होती है। तो इसका हम जो थापी मारते हैं इतने हिस्से में मारते हैं, ये जो हमारा मसाला लगा हुआ होता है इसे हम ऊपर ऊपर ही मारते हैं, थोड़ा सा ही हमारा मसाला का हिस्सा दबता है। अगर हम ऐसे मारेंगे तो इसमें आवाज़ नहीं आएगी, ऐसे मारेंगे पटाक, ऐसे नहीं मारना है हमें, सिर्फ ऐसे मारना है खुले केस में। जितना हम हल्का हाथ, हाथ हम ऐसा रखेंगे बिल्कुल ढीला, जितना हम ढीला हाथ रखेंगे उतनी ही हमारी ढोलक पर आवाज़ आएगी, अगर हम टाइट हाथ रखेंगे तो ऐसे ऐसे बजेगी ढोलक। तो हमें कैसे बजानी है, तो बिल्कुल ढीला हाथ रखना है ऐसे। तो आइए हम आपको आगे बताते हैं, तो थापी वाले बेस में हम तीन थापी वाली बता रहे हैं, क्योंकि मेरे से दो थापी वाली, तीन थापी वाली, चार थापी वाली, कीर्तन वाली और भांगड़ा ढोलक, मुझसे कई प्रकार की ढोलक आती हैं, तो ये वाली मैं थापी वाली बता रही हूँ, तीन थापी वाली मैं ढोलक बताने जा रही हूँ। तो देखो, दो थापी हम एक साथ मारेंगे ऐसे, दो, और तीसरी हम उसके जस्ट बाद ही मार देंगे, एक दो तीन, तीन। ये जो सबसे पहली गिनती होती है बहुत जल्दी गिनने वाली होती है, और उसी के साथ बहुत जल्दी हम थापी मारते हैं, जैसे एक दो, दूसरी हम तुरंत बाद ही बोल देंगे एक दो, हल्की। ये पहली वाली जो थापी होती है बहुत ही हल्की, बहुत ही जल्दी मारी जाती है, और दूसरी तुरंत मार देते हैं जैसे एक दो, और फिर तीसरी में हल्का सा गैप करके तीसरी थापी मारते हैं जैसे एक और चौथी गिनती हम बोलेंगे बंद बेस में, ये हमारी गुम्मक होती है, चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। तो आप दोबारा से देखें, अच्छे से देखें, और मैं आपको धीरे बताने जा रही हूँ। देखो, दो दो गिनती हम बहुत जल्दी बोलेंगे, तीसरी हम थोड़ी गैप करके बोलेंगे, एक दो तीन, एक दो तीन चार, 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 दो तीन चार। हमने ये वीडियो, ये ढोलक हमने जो बताई है ये थोड़ा धीरे बताई है, अब हम आपको जल्दी जल्दी बजाना बताने जा रहे हैं, तो आप जरा गौर से देखें, दो तीन चार, दो तीन चार, तीन चार, तीन चार, दो तीन चार, दो तीन चार, दो तीन चार, दो तीन चार, 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 बंद बेस बजाते हैं गुम्मक जैसे ऐसे करते हैं ना, तो तीन थापी के थोड़ा गैप देने के बाद ही हम इसको ऐसे मारेंगे।
तो देखो हम कैसे मारते हैं, तीन, थोड़ा हाथ उठाने में गैप होगा, अब तुरंत हम ऐसे करेंगे, दो तीन चार, ऐसे थोड़ा सा गैप देके, तीन चार, दो तीन चार, दो तीन चार, दो तीन चार, हमें गुम्मक में थोड़ा सा हमें गैप देना है, तो ये आप जरूर देखें, दो तीन चार, दो तीन चार। बंद बेस बजाने से गुम्मक बहुत अच्छी लगती है, ढोलक बहुत जमती है, तो अगर हम इसको मारेंगे तो ढोलक बहुत अच्छी बजेगी, तो इसको मारना बहुत ज़रूरी है। कोई कोई बहनों गाना ऐसा होता है जिसमें हम ये बंद बेस नहीं बजाते हैं, ये गुम्मक नहीं मारते हैं, खाली हम ऐसे ही बजाते जाते हैं, और किसी किसी गाने में बिना गुम्मक के ढोलक जमती नहीं है और गाना भी नहीं जमता है, तो इसलिए मैं गुम्मक वाली आपको ये बता रही हूँ। तो इसलिए देखें, तीन, फिर हम ऐसे हाथ उठाएंगे, फिर हम ऐसे गुम्मक मारेंगे, बस इतना हमें गैप चाहिए तप्पी में और बंद बेस में। तो देखो, तीन चार, तीन चार, तीन चार, बस इतना सा दूर करते हैं हाथ को और फिर हम ऐसे मार देते हैं तुरंत, तीन चार, तीन चार, तीन चार, तीन चार। और जो हम थापी बजाते हैं तो उनका हम दूर नहीं करते हाथ को, हम पास में ही रखते हैं, क्योंकि हमें तीनों थापी बहुत जल्दी जल्दी बजानी होती हैं, दो थापी तो जल्दी बहुत जल्दी बजानी होती हैं, तीसरी में हल्का सा गैप देना पड़ता है, इसलिए अगर हम हाथ को दूर रखेंगे तो हमें थापी मारने में देरी हो जाएगी और ढोलक हमारी बिगड़ जाएगी, तो इसलिए हम हाथ को इतना ही रखते हैं दूरी पर। देखो, और बंद बेस बजाने के लिए हम थोड़ा सा अलग करते हैं, अब दोबारा गिनती बोल के बताते हैं आपको, तीन चार, 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 तीन चार। तो मैंने आपको ये थापी वाला बेस बहुत ही अच्छे से आपको बताया है, तो ये आपको कैसा लगा, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, बिना प्रैक्टिस के ढोलक आती नहीं है, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब हम छोटे से थे तो हम ढोलक भी नहीं होती थी तो हम कोई डिब्बा ले लेते थे, उसको भी बजाने लगते थे, हम जब भी हमारा काम हो जाता था घर का तो हम ढोलक डिब्बे पर ही बजा लेते थे, तो हमारे हाथों की उस पर प्रैक्टिस हो गई। अगर आपके आजकल तो घर घर में ढोलक है, पहले हमारे यहाँ थी नहीं, हम छोटे से थे जब, अब तो हमारे यहाँ दो दो ढोलक हैं, किसी को भी कभी किसी को बजा ले, कभी किसी को बजा ले, तो इसलिए आप प्रैक्टिस जरूर करें, जब भी आप काम से फ्री हो जाएं ढोलक की प्रैक्टिस जरूर करें, प्रैक्टिस करने से ही ढोलक आसानी से आ जाएगी और जल्दी आ जाएगी। इसी के साथ हम वीडियो को बंद करते हैं, तो अगर लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें।